स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर। अवर क्लास सिक्स बुक हिस्ट्री चैप्टर 8 वाइटल विलेज थ्राइविंग टाउन्स। प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। प्रभाकर ब्लैक स्मिथ की शॉप पर। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप। प्रभाकर एक लड़का है जो वॉच कर रहा है, देख रहा है स्मिथ लोहार को लोकल शॉप पे बैठा है और देख रहा है वो लोहार क्या कर रहा है। देयर वॉज ए स्मॉल बेंच, वहाँ पे एक छोटा सा बेंच है जिसके ऊपर आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स वेयर लेड आउट, जिसके ऊपर कुल्हाड़ी और दराती वगैरह रखे हैं रेडी फॉर सेल, बेचने के लिए वो तैयार हैं। ए ब्राइट फायर वॉज बर्निंग, एक तेज आग जल रही है। एंड टू मैन वेयर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू शेप, दो आदमी आयरन रॉड्स को गर्म करके बीट कर करके उनको शेप दे रहे हैं। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वट वॉज हैपनिंग, और ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टूडे, थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। आयरन और स्टील की जो सब कुछ जो बनता है वो हमारी डेली यूज़ की लाइफ में डेली यूज़ होता है। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. आज से तकरीबन 3000 साल पहले सब कॉन्टीनेंट में आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials. कुछ collection iron tools की, लोहे के अवजार की और हथियारों की हमें कहाँ पे मिली, जहाँ पे मेगालिथिक बरियल्स हैं, बड़े बड़े पत्थर दबाए हुए हैं जहाँ पे दफन किए जाते थे राजा महाराजाओं को, उनके साथ आयरन टूल्स वेपन्स और बाकी चीज़ें दफन की जाती थी। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4, जिसके बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, आज से तकरीबन 2500 साल पहले, देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। 2500 साल पहले हमें सबूत मिले कि आयरन का, लोहे का इस्तेमाल कैसे बढ़ रहा था। दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, तो इसमें इंक्लूड होता है कुल्हाड़ी जो जिससे हम जंगल साफ करते थे, एंड द आयरन प्लोशियर और लोहे के हल, एज वी हैड सीन चैप्टर 5, जैसा कि हमने चैप्टर 5 में देखा है। द प्लोशियर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो हल इस्तेमाल किया जाता था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए होता था। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरीगेशन, दूसरे स्टेप्स क्या हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। इरीगेशन, इरीगेशन मीन्स आपाशी, जो पानी देते हैं, साग देते हैं। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लॉरिशिंग विलेज, जो राजा महाराजा या सल्तनतों के बारे में आप जो पढ़ते हो उनकी एग्जिस्टेंस इसके बगैर नहीं है, वो इसके बगैर नहीं है। किसके बगैर? गांव के आबाद होंगे, गांव के आबाद गांव के सपोर्ट के बगैर वो नहीं पॉसिबल है। जब गांव आबाद होंगे तो राजा महाराजाओं की सल्तनतें भी आबाद होंगी। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, जो लोहे के अवजार और जो सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन था जिसका में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, उनसे प्रोडक्शन बढ़ गई। इरीगेशन वॉज ऑल्सो यूज, इरीगेशन भी इस्तेमाल होती थी। इरीगेशन वर्क्स दैट वेयर बुल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम,
जो इरिगेशन के को जो काम इस दौरान हुए उनमें आते हैं, उनमें क्या आते हैं, कैनाल्स आते हैं, वेल्स आते हैं, टैंक्स आते हैं और आर्टिफिशियल लेक्स आते हैं। इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन्ड। तो इसमें क्या आता था, लेबर प्रोवाइड की जाती थी, फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज़ मोर सर्टन, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। हु लिव्ड इन द विलेज, गांव में कौन रहते थे। देयर वेयर एट लीस्ट थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेज इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तीन अलग अलग किस्म के लोग सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। इन द तमिल रीजन में लार्ज लैंड ओनर्स, जो तमिल रीजन है उसमें जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वेयर नोन एज वेलालर, उनको वेलालर कहते थे। ऑर्डनरी प्लोमैन वेयर नोन एज उजावर, तो जो ऑर्डनरी जो आम हल जोतने वाले होते थे उनको उजावर कहते थे, और जो लैंडलेस थे उनको लेबर्स कहते थे, मजदूर इंक्लूडिंग स्लेव्स। उनमें स्लेव्स हो गए गुलाम, वे आर नोन एज खादियासर एंड अदेमई। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ था कंट्री का, नॉर्दर्न पार्ट था, द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजक। जो हेडमैन होता था, जैसे आज सरपंच होता है, तो उसको ग्राम मीन्स गांव का भोजक बड़ा। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। तो जो भोजक की जगह होती थी, जो गांव का भोजक होता था, वो फैमिली का ही मेंबर बनता था। जैसे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, जैसे किसी का दादा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो इस तरह से ये जनरेशन चलता था। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडिटरी, तो इस जनरेशन का मतलब है कहने का कि ये हेरिडिटरी होती थी। द ग्रामा भोजाका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, जो ये ग्रामा भोजाका होता था ये बड़ा ज़मींदार होता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड, तो ये गुलाम भी रखता था और मजदूर भी लेता था, किसके लिए, ज़मीन को कल्टिवेट करने के लिए। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल, तो वो पावरफुल होता था, ताकतवर होता था फाइनेंशली ज़मीन के हिसाब से। द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस, तो बादशाह उसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए गांव में भेजता था। ही ऑल्सो फंक्शनड एज ए जज, तो वो एक जज का काम भी करता था, एंड समटाइम्स एज ए पुलिसमैन, तो वो पुलिसमैन का काम भी करता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजाका देयर वेयर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, तो ये ग्राम भोजाका के अलावा और भी इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, नोन एज गृहपतिस, मोस्ट ऑफ होम वेयर स्मॉलर लैंड ओनर्स, जो ग्राम भोजाका से थोड़े कम ज़मीन वाले होते थे तो उन्हें गृहपतिस कहते थे, वो कम ज़मीन वाले होते थे। एंड देन देयर वेयर मैन एंड वुमन सच एज द दासास, कर्मकरा और दासा मीन्स स्लेव्स, गुलाम, जो काम करते थे, हु डिड नॉट ओन लैंड, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, एंड हैड टू अर्न ए लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन बाय अदर्स, तो वो किन दूसरों की ज़मीनों पे ज़मींदारी करके, काम करके, दूसरों के खेतों में हल जोत के वो अपनी कमाई करते थे, तो उसे अपना गुजारा करते थे। इन मोस्ट विलेज देयर वेयर ऑल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन, तो बहुत से गाँव में क्या होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, सच एज द ब्लैक स्मिथ,
पोटर, कारपेंटर एंड वीवर। वीवर हो गए बुनकर जो बुनते थे, कारपेंटर हो गए जो लकड़ी का काम करते थे, पोटर हो गए जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और ब्लैक स्मिथ्स हो गए जो लोहार होते थे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।